के इस्लामी तावन तंजीम के वज़राए खारजा का 48वां इजलास होने जा रहा है। ऐसे में मिस्र के वज़ीर खारजा सामह शकर इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। मिस्री वज़ीर खारजा का वज़ारत खारजा की जानब से शाह महमूद कुरैशी ने खैर मकदम किया है। इसके अलावा दोनों वज़राए खारजा की बाज़ाब्ता मुलाकात भी होगी। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं, सुमैरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमैरा, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, वीआईपी जो मूवमेंट है ओआईसी के 48वें इजलास जो कि इस्लामाबाद में 22 और 23 को उसके दोनों सेशंस होंगे, क्लोजिंग और ओपनिंग और क्लोजिंग सेशंस, उसके लिए वीआईपी आमद जो है वज़राए खारजा की और मुख्तलिफ ममालिक की डेलीगेशन की वो शुरू हो चुकी है आज से। और पहले हिस्से में मिस्र के वज़ीर खारजा सामी शुक्री इस्लामाबाद पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर उनका नुमाइंदा खसूसी मौलाना ताहिर अशरफी ने इस्तकबाल किया था, लेकिन वजारत खारजा में शाह महमूद कुरैशी ने उनका खैर मकदम किया और मुलाकात हमारी इतलात के मुताबिक अब शुरू हो चुकी है और डेलीगेशन लेवल बातचीत भी हुई है। अभी पहले लेग में वन ऑन वन मुलाकात का भी फॉरेन मिनिस्टर से उनका इम्कान है कि इसके फौरन बाद वन ऑन वन मुलाकात होगी। आज ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल जो है हुसैन इब्राहिम ताहा वो शाम को पहुंचेंगे और दूसरी वीआईपी मूवमेंट में इंडोनेशिया का जो डेलीगेशन है लेड बाय देयर फॉरेन मिनिस्टर वो आज मुतवक्के है शाम। बहुत शुक्रिया सुमैरा खान आपका।